देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। यूरोपीय संसद नागरिकता संशोधन कानून पर बहस करेगी। बहस के बाद गुरुवार को इस पर वोटिंग होगी। बहस का मुद्दा यूरोपीय संसद की ओर से सीएए के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव है। इस संयुक्त प्रस्ताव में यूरोपीय संघ के सांसदों के 5 समूह सीए और एनआरसी के खिलाफ हैं। संयुक्त प्रस्ताव में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे का भी उल्लेख किया गया है और कार्यकर्ताओं का नाम दिया गया जिसमें अखिल गोगोई और सदाफ जाफर शामिल हैं, जिन्हें सीए और एनआरसी का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जबकि छठा समूह सीए पर भारत के समर्थन में खड़ा नजर आता है। इस पूरे माहौल के बीच भारत ने प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने यूरोपीय संघ से कहा है, ये हमारा आंतरिक मामला है। इस कानून को संसद में सार्वजनिक बहस के बाद उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनाया गया है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओम बिरला ने यू संसद के अध्यक्ष से कहा कि विधानमंडल का दूसरे विधानमंडल पर फैसला देना ठीक नहीं है। इस चलन का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव तैयार किया है। सांसदों के इस प्रस्ताव पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है, तो वहीं उसे फ्रांस का भी साथ मिला है। फ्रेंच राजनयिक से जुड़े सूत्र ने बताया कि सीए भारत का आंतरिक मामला है। ये बात हम कई मौकों पर कह चुके हैं। बता दें कि फ्रांस का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य देश है। इससे पहले भारत ने यूरोपीय संघ से कहा था कि सीए हमारा आंतरिक मामला है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा है कि यूरोपीय संसद की ओर से व्यक्त किए गए मसौदे और राय यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्थिति को बयान नहीं करते हैं।